जैसा कि हमने बताया था कि रिजल्ट 27 तारीख को ही जारी कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वेबसाइट पर आने में देर हो, क्योंकि पिछला बार भी ऐसा ही हुआ था। पहले पेपर में आया था, उसके बाद अगले दिन जो है वो वेबसाइट पे जारी किया गया था। देखिए, आज के न्यूज़ में दिया हुआ है कि बिहार में दरोगा बहाली पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 50,072 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। और देखिए, और ये जो पेपर का डेट है वो आज का ही है, 27 जनवरी को ही है, ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, 28 जनवरी को है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेट 28 जनवरी 2020, 12:20 AM, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार में दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के लिए एक संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया, यानी कि कल ही जारी कर दिया गया था। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा घोषित परिणाम के मुताबिक लगभग 50,072 कैंडिडेट की सफलता मिली है। अब इन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। अप्रैल मई में मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। दरोगा सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2446 पद के लिए 22 दिसंबर 2019 को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। इसमें करीब 5.85 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर राज्य भर में 495 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों पर 2 पालियों परीक्षा ली गई थी। आयोग ने सोमवार को इसका परिणाम घोषित कर दिया है। पद के मुकाबले करीब 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। मुख्य परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर पद के मुकाबले 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए और कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है आपका, और इसका जैसे ही PDF हमें मिलेगा तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्द ही। यानी कि दरोगा का रिजल्ट जब हमने बताया था बिल्कुल सही न्यूज़ था, कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज किया था, लेकिन फिर भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो ये बहुत ही खुशखबरी है। उम्मीद हमारे तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग सब अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा अपना पेपर में। थैंक यू।